अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के हमारी वीडियो में हम फ्रंट नेक डिज़ाइन बनाएंगे। ये जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उसके लिए मैंने ये कुर्ती ली है जिसकी मैंने पहले ही कटिंग करके रखी है। और अगर आप कुर्ती की कटिंग जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी पहले ही मेरे चैनल पर मौजूद है। अब यहाँ से जहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग की हुई है वहाँ से हम 1 इंच नीचे की तरफ लेंगे, उसका निशान वहाँ पर लगाएंगे दोनों तरफ। अब ऐसे इस कमीज़ को सेंटर से फोल्ड करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से जहाँ पर हमने निशान लगाया था उस कपड़े को अलहदा कर लेंगे। अब ये जो कपड़ा है इसको हम नेक के नीचे दोबारा से भी लगा सकते हैं। इस कपड़े की कटिंग करने के बाद हमने ये अखबार ली है, इसको अखबार के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और साथ में पिन लगा लेंगे ऊपर ताकि थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो। मैंने कपड़े को फोल्ड किया है तो अखबार को भी मैंने फोल्ड ही किया हुआ, वो भी डबल ही है और बिल्कुल उसके बराबर ही हम अखबार की कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम अखबार की कटिंग भी बिल्कुल कपड़े की तरह कर चुके हैं। और ये हाफ मीटर कपड़ा है जो हमने लिया है पट्टियाँ काटने के लिए, जो हम अपने गले के ऊपर लगाएंगे। आप इसको पट्टियाँ भी कह सकते हैं या चौड़ी मगजी भी कह सकते हैं। और इसके ऊपर इस तरह से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे, रेप पट्टी काटेंगे इस तरह से जैसे मैं निकाल रही हूँ। अब हम इस रेप पट्टी की कटिंग कर देंगे। ये देखिए ये पट्टी इस तरह से इलास्टिक है। अब हम बाकी सारे कपड़े की भी पट्टियां इसी तरह से काट लेते हैं। हम नेक पर लगाने के लिए पट्टियां काट चुके हैं, अब हम इनको सिलाई करेंगे। इस तरह से हम पट्टियों को उल्टी तरफ से सिलाई करेंगे और बाद में इन्हें फोल्ड करेंगे। पट्टी की सिलाई का जो मेजरमेंट है वो मैंने मशीन के पैर से लिया है, इस तरह से बिल्कुल उसके बराबर रखा हुआ है। ये देखें यहाँ पर हम काफ़ी पट्टियाँ सिलाई कर चुके हैं, अभी इनको फोल्ड करेंगे हम। इन पट्टियों को फोल्ड करने के लिए मैंने ये सिलाई ली है क्योंकि ये पट्टियाँ इस सिलाई से भी आसानी से फोल्ड हो सकती हैं। इस तरह से सिलाई को अंदर डाल के थोड़ा सा कपड़ा जब जमा हो जाए सिलाई के ऊपर तो हम उन्हें फोल्ड करना शुरू करेंगे। अब इसी तरह से हम बाकी सारी पट्टियाँ भी फोल्ड कर लेंगे अपनी। अब वापस से हमने अखबार ले लिया, उसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और नेक डिज़ाइन करेंगे हम, जितना बड़ा हमें नेक का निशान लगाना है। मैं नेक की चौड़ाई का निशान 9 इंच पे लगा रही हूँ और लेंथ मैं 10 इंच ले रही हूँ। अगर आप चाहे तो ये मेजरमेंट आप बड़ा छोटा कर सकते हैं और फिर इस तरह से नेक की डिज़ाइन कर लेंगे। अब इस तरह से अखबार का जो सेंटर है 1.5 सेंटीमीटर हम इस तरफ और 1.5 सेंटीमीटर उस निशान के उस तरफ छोड़ेंगे। शोल्डर से हम 4 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे दोनों तरफ, दोनों शोल्डर पर। और फिर हमने जो पहले 1.5 सेंटीमीटर का निशान लगाया था इन निशानों को उन इस तरह से उस तरफ मिला देंगे, जिस तरह से एक वी की शेप बनेगी अभी के लिए। और फिर इसी तरह से पूरे अखबार के ऊपर हम 4 सेंटीमीटर का निशान लगाते जाएंगे इस तरह से।
अब उसी तरह से उन लाइंस के ऑपोजिट लाइंस लगाएंगे इस तरह से कि एक डब्बे नुमा शक्ल बन जाएगी, और डिस्टेंस हम 4 सेंटीमीटर का ही रखेंगे। और ये देखिए, ये पट्टियाँ मैंने फोल्ड करने के बाद इस्त्री कर ली हैं। अब इनको इस तरह से हम उन लाइनों को सेंटर में रख के ऊपर इस तरह से पट्टियाँ लगाते जाएंगे। पट्टियों के दोनों साइड पर हम सिलाई लगाएंगे। पहले हम इस तरह से इस साइड वाली लगाएंगे और ये दूसरी वाली पट्टियों के नीचे आ जाएंगी। यहाँ से हम जो ये जो जायद वाली पट्टी है इसको काट देंगे और इसके पट्टी के दूसरी तरफ हम सिलाई शुरू करेंगे। अब सारी इस तरह से इस तरफ वाली हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इस साइड वाली पट्टियाँ हम बिल्कुल लगा चुके हैं। अब हम दूसरी वाली साइड वाली पट्टियाँ इसके ऊपर इस तरह से रख के लगा। इन पट्टियों को इस तरह से हम रख के इनके ऊपर भी सिलाई वैसे ही करेंगे। ये देखिए, पूरी पट्टियों की सिलाई अब हम ख़त्म कर चुके हैं। और इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे, वहाँ से अखबार की कटिंग कर देंगे। इस तरह से जो गले का हमने मेजरमेंट का निशान लगाया था, वहाँ से हम अखबार को निकाल देंगे। और ये इस तरह से हमने एक और रेप पट्टी ले ली है जिस पर हम गले पर पट्टी लगाएंगे। और ये पट्टी हम गले की उल्टी तरफ लगाएंगे, यानी जहाँ पट्टियाँ नहीं लगी हुई, सिर्फ अखबार है वहाँ पे रखेंगे और सीधी तरफ इसको फोल्ड करेंगे। ये पट्टी 1 इंच की है, इसे 1 इंच का चौथा हिस्सा अब हमारा सिलाई में जाएगा। और 1/4 हिस्सा अब हम सिलाई में भेजेंगे, यानी 1 इंच का आधा हिस्सा हमारा सिलाइयों में चला गया और आधा हमारा तैयार पट्टी है। ये देखिए, इस तरह से अब हम गले की पट्टी भी लगा चुके हैं, सिलाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। ये हमारे कुर्ती का बाकी वाला कपड़ा जो मैंने पहले काटा था, अब हम इस कुर्ती के कपड़े को अखबार के साथ सिलाई करेंगे। अखबार की उल्टी साइड और कपड़े की उल्टी वाली साइड लेके अब हम यहाँ से इसको सिलाई कर देंगे। सिलाई हम 1/2 इंच पर लगाएंगे। कपड़े को अखबार के साथ सिलाई करने के बाद अब हम इस पॉइंट पर अखबार को काट सकते हैं, यानी बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस तरह से हम सारे डिब्बों में से सारी अखबार निकाल लेंगे। इस तरह से नेक के ऊपर से हम अखबार बिल्कुल साफ़ कर चुके हैं। और इसके बाद हमारे पास ये मोती हैं, जो मोती हम नेक डिज़ाइन के ऊपर लगाएंगे। और ये मोती इस तरह से हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर जहाँ से हमने पट्टियों को आपस में जोड़ा था वहाँ पर हम एक एक मोती लगा देंगे। यहाँ पर हमारा नेक डिज़ाइन बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें, हम मोती भी लगा चुके हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।